तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए दोस्तों ये सब ट्रिप जानने के लिए मैं वीडियो को शुरू कर लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है एक टिप इस तरीके से बिंदी को लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा सर्दियों में हमारी बिंदी काफ़ी लंबे समय तक के चलती है जब हम माथे पे लगाते हैं, और गर्मियों में दोस्तों क्या होता है कि अब गर्मी आ चुकी है तो बिंदी क्या है ना कि हमारा एक दिन से भी ज़्यादा नहीं चलता है, क्योंकि बार बार पसीना आता है, बार बार ये बिंदी हमारे माथे पे से उतर जाती है। तो दोस्तों इसके लिए एक छोटा सा हैक टिप है कि या तो बिंदी को आप परमानेंट फ्रिज में रखिए, इस तरीके से रख दीजिए, और रखने के बाद जब भी बिंदी को आपको लगाना है माथे पे, इसमें से एक निकालिए, लगा लीजिए, तो आप देखेंगे ये बिंदी जो है ना कि काफ़ी लंबे समय तक की ये चलती है, और आपका ये जो बिंदी है कि काफ़ी अच्छी तरीके से 2 से 3 दिन तक के माथे पे रुका रहेगा। तो देखिए 10 मिनट तक के मैंने इसको रख दिया है फ्रिज में। अगर आपके पास टाइम है तो और भी लंबे समय तक की इसको आप रख सकते हैं। तो देख पा रहे होंगे मैंने ये 2 से 3 बिंदी, और सच मानिए दोस्तों तो मैं इस बिंदी को ना फ्रिज में ही रखती हूँ गर्मियों तक के पूरे, इस तरीके से फ्रिज में ही रखती हूँ। जब भी मुझे लगाना पड़ता है मैं अपनी बिंदी को लगाती हूँ, तो इस तरीके से बिंदी माथे पर से जल्दी उतरता भी नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक के भी चलता है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर ये बहुत ही काम का ट्रिक है। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों, जब भी हम चूड़ी पहनते हैं तो आपने देखा होगा हमारा लेफ्ट हाथ और राइट हाथ में हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। जो ये लेफ्ट हैंड होता है तो इसमें क्या होता है ना कि चूड़ी जल्दी जाता चला जाता है, लेकिन जो राइट हैंड होता है इसमें जल्दी जाता नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरीके से बॉडी लोशन ले लेना है, और बॉडी लोशन के अच्छी तरीके से अपने हाथों में लगा लेना है, और लगाने के बाद अब आप देखेंगे ना कि इसके जो भी आप अपने घर में बॉडी लोशन लगाते हैं दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि चूड़ी में आपको तेल नहीं लगाना है, बॉडी लोशन ही लगाना है। तो देखिए बॉडी लोशन लगाने से ये जो चूड़ी है ना बहुत ईजीली तरीके से ये चूड़ी मेरे हाथों में चला जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने हाथों पे, जैसे कि जब भी चूड़ी हमें कहीं पार्टी वगैरह जाना पड़ता है तो हमें जल्दी जल्दी में हमारी चूड़ियाँ मुड़ जाती है और टूट भी जाती है, तो इसी तरीके से आप अपने हाथों में बॉडी लोशन लगाने के बाद अब बहुत ईजीली तरीके से आप चूड़ी को पहन सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, चूड़ी को तेल लगा के बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना है, नहीं तो क्या होता है कि तेल से ही जो चूड़ी की हमारी शाइनिंग है ख़त्म हो जाती है और चूड़ी बिल्कुल चिपचिपी भी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए इसी तरीके से मैं निकाल भी रही हूँ, जैसे कि मैंने चढ़ाया है उसी तरीके से मैं निकाल भी रही हूँ, और बहुत ईजीली तरीके से हमारी चूड़ी निकल जाती है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। ऐसे छोटे छोटे हैक टिप आप अपने घर में एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा बॉडी लोशन के साथ। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इसी तरीके से लीड के ढक्कन को लेके है। तो दोस्तों ये जो लीड का ढक्कन होता है ना, आपने देखा होगा इसका जो स्क्रू है ना वो लूज हो जाता है, तो लूज हो जाता है तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाता है, और डर लगा रहता है कहीं गिर ना जाए। तो चम्मच की हेल्प से आप इसका स्क्रू टाइट कर सकते हैं। हर किसी के घर में पेचकस नहीं होता है, टेस्टर नहीं होता है, तो इसी तरीके से आप अपने स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी इसी में ही है। तो देखिए इस तरीके से जो इसका स्क्रू है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है लोहे का स्क्रू लगा रहता है, इसमें जंग भी लग जाता है, तो हम सोचते हैं कि इसका स्क्रू भी ना ख़राब हो। तो देखिए हम इसके लिए एक ट्रांसपेरेंस नैन पेंट ले लिया है, कहीं भी कॉस्मेटिक की दुकान पर आपको ट्रांसपेरेंस नैन पेंट मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंस नैन पेंट आपको लेना है, इस तरीके से ये जो लीड का ये स्क्रू है इसके ऊपर लगा लेना है, तो आपको देखना है कि इस पर जंक नहीं लगना है, और आपका स्क्रू जो है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके से आप ये हैक टिप आप जमा सकते हैं। तो चलिए अगला हैक टिप देख लेते हैं। अगला हैक टिप दोस्तों इस तरीके के झाड़ू को लेके है। तो आपने देखा होगा झाड़ू हम सारे घर में लगाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पानी पड़ा ही रहता है, लेकिन हमारे ये झाड़ू चिपचिपा भी हो जाता है, नम भी हो जाता है, और झाड़ू को दोस्तों वैसे ही हम लक्ष्मी मानते हैं, तो हमें तो इनका कदर करना ही चाहिए। तो देखिए चिपचिपा हो जाता है, इसमें बैक्टीरिया भी हो जाती है, स्मेल भी आने लगता है, और कहीं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिस्तर भी गंदा रहता है, तब भी हम झाड़ू को साफ कर लेते हैं झाड़ू के हेल्प से। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी हमारे झाड़ू में से बैड स्मेल ना आए और छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह ना हो। तो दोस्तों हमें घर किचन का ही दो चीज़ ले लेना है,
एक तो ले लेना है मीठा सोडा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने मीठा सोडा डाला हुआ है, मीठा सोडा ले लेना है। और आपको ले लेना है हल्दी, वही जो घर का हल्दी जो हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इस तरीके से हल्दी ले लेना है। हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है, और ये जो झाड़ू है मिलाने के बाद ये झाड़ू के बीच में हमें अच्छी तरीके से रब कर देना है। रब करने के बाद अच्छी तरीके से हमें इसको मिला के अब मिक्स कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मैंने वीडियो को स्किप नहीं करा हुआ है, तो इसी तरीके से बीच बीच में डाल के आप इसको चाहे तो छोड़ भी दीजिए या तो अपने हाथों से अच्छी तरीके से रफ कर दीजिए। रफ करने से क्या है कि जो मैंने बेकिंग पाउडर डाला हुआ है अच्छी तरीके से इसके अंदर भिन जाता है, जो भी इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह नमी वगैरह है स्मेल से भी आने लगती है, बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल ये परफेक्ट रहेगा। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हैक टिप आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर दोस्तों ज़रा सी भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। तो चलिए मैंने इसमें डाल दिया है, इसी तरीके से डाल के चाहे तो आप धूप में रख दीजिए, जितना भी इसमें बैक्टीरिया वगैरह है बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। और दोस्तों हल्दी और ये जो मैंने सोडा मिलाया हुआ है इसका एक रेमेडी, इसको आप और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब गर्मियों का दिन आने वाला है, तो आपने देखा होगा किनारे किनारे ये ना थोड़ी चींटियाँ आने लगती है, तो दोस्तों चींटियाँ के लिए बहुत ही अच्छा रेमेडी है। इस तरीके से जो किनारे किनारे थोड़ा बहुत ज्वाइंट खुला रहता है तो चींटियों के लिए ये थोड़ा सा आप इसको बहुत ही अच्छा आजमा सकते हैं। तो देखिए चींटियों के लिए बिल्कुल रामबाण का काम करता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके से चींटियां भी हटा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही भी अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। कौन सा पसंद आए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।